एविडेंस लॉ लेक्चर के इस वीडियो सीरीज में आज हम सेक्शन 6 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस विच इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विथ प्रॉपर नोट्स इजी एक्सप्लेनेशन एंड विथ केस लॉज तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद इस पर्टिकुलर सेक्शन से आपके मन में कोई डाउट्स नहीं रहेगा चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं देखो सेक्शन 6 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस विच इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर सेक्शन को समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को फिर से समझ लेते हैं जैसे जब हमने लॉ ऑफ एविडेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा तो हमने ये जाना कि हमारा लॉ ऑफ एविडेंस 3 पार्ट में डिवाइड है पार्ट 1 बेसिकली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है और इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं चैप्टर 1 जो कि प्रीलिमिनरी है सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 4 इस पर्टिकुलर चैप्टर में आते हैं चैप्टर 2 जो कि ऑफ रेलेवेंट चैप्टर 2 जो कि ऑफ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है इसके जो सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक अगर हम पूरे एविडेंस लॉ को देखें तो सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 2 राइट जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है अब देखो जब हमने एविडेंस लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझा था देखो ये सभी चीज़ें जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और अगर आपको ये सभी बातें याद रहती हैं तो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को आसानी से समझ जाओगे राइट देखो तो जब हमने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस को समझा था अपने फर्स्ट क्लास में तो हमने जाना कि एविडेंस लॉ के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पहला हमें एफर्ट्स लगाना है कि हम केवल उन्हीं फैक्ट्स को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करें जो कि रेलेवेंट फैक्ट हो यानी हमें केवल उन्हीं फैक्ट्स को कोर्ट में प्रेजेंट करना है जो किसी ना किसी मैनर में फैक्ट इन इशू से रिलेशन स्टैब्लिश करते हों ये हमारा पहला बेसिक प्रिंसिपल था लॉ ऑफ एविडेंस का दूसरा हमें एफर्ट्स लगाना है कि हम बेस्ट पॉसिबल एविडेंसेस को लेकर के आए हम प्राइमरी एविडेंसेस को सबसे पहले लेकर के आए बिकॉज प्राइमरी एविडेंसेस आर कंसीडर्ड एज मोर ऑथेंटिक मोर रिलायबल देन सेकेंडरी एविडेंसेस और इन केस हमारे पास प्राइमरी एविडेंसेस अवेलेबल नहीं हैं तो हम कोर्ट के परमिशन से सेकेंडरी एविडेंसेस को ला सकते हैं और जो तीसरा हमारा बेसिक प्रिंसिपल था वो यही था कि हियर से एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस बट देर आर सम एक्सेप्शंस जहां हियर से एविडेंस एज एन एविडेंस एडमिशिबल माना जाता है हियर से एविडेंस के ऊपर हमने एक सेपरेट क्लास लिया था अगर आप हियर से एविडेंस को अच्छे से समझना चाहते हो विथ प्रॉपर नोट्स ईजी अंडरस्टैंडिंग एंड विथ केस लॉज तो आप इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं ठीक है चलिए
तो यानी हमने ये देखा कि एक तरफ जहां एविडेंस लॉ का चैप्टर 2 स्पेसिफिकली रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, वहीं हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ एविडेंस का वो भी यही कह रहा है कि हमें एफर्ट्स लगाना है कि हम रेलेवेंट फैक्ट्स को ही कोर्ट में लेकर के आए। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम कोर्ट में केवल रेलेवेंट फैक्ट्स को ही प्रोड्यूस करेंगे, हम इररेलेवेंट फैक्ट्स को कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो कोर्ट राइटफुल जजमेंट डिलीवर नहीं कर पाएगा, कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में अननेसेसरी डीले होगा, और हम जानते हैं जस्टिस डीलेड इज इक्वल्स टू जस्टिस डिनाइड, राइट। चलो अब हम बात करेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं उसे हमने ऑलरेडी सेक्शन 3 में कवर कर लिया था। अब देखो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का क्या मतलब है। देखो जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से किसी ना किसी मैनर में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करता है तो वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाता है, ठीक है। या कनेक्शन ऑफ वन फैक्ट विथ अनदर विच लीड्स यू टू अ डेफिनेट कंक्लूजन, दिस कनेक्शन इज नन एज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट के साथ कनेक्शन इस मैनर में कि वो कनेक्शन आपको एक डेफिनेट कंक्लूजन पर लेकर के जाता हो, ये जो कनेक्शन है इसे ही हम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स कहते हैं। या थिंग्स सेड और डन इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, या हम ये कह सकते हैं थिंग्स सेड और डन शून बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन नोन एज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। या अगर हम इसे और इलाबोरेट करें तो हम ये कह सकते हैं व्हेन वन फैक्ट, जब एक फैक्ट स्टेबलाइजेस कनेक्शन, एक कनेक्शन स्टेबलिश करता है, जब एक फैक्ट जो कि फैक्ट इन इशू नहीं है लेकिन वो कनेक्शन स्टेबलिश करता है दूसरे फैक्ट से इन एनी ऑफ द वेज, किसी भी वेज में जो वेज मेंशन है इन चैप्टर 2 जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, जो स्टार्ट होता है सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक। जब एक फैक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है दूसरे फैक्ट से उन वेज में जो वेज मेंशन है राइट फ्रॉम सेक्शन 5 टू 55, तो हम कहेंगे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो ये है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी कनेक्शन ऑफ अ फैक्ट विथ अनदर फैक्ट नोन एज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, या कनेक्शन ऑफ वन फैक्ट विथ अनदर फैक्ट इन एनी ऑफ द वेज विच आर मैंशन राइट फ्रॉम सेक्शन 5 टू 55 नोन एज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। चलिए अब देखो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, यानी ये पर्टिकुलर सेक्शन ये कहता है कि वो सभी फैक्ट्स जो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट होते हैं वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाते हैं। ऑल दोज फैक्ट्स विच टुगेदर फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन
उन्हें हम रिलेवेंट फैक्ट कहेंगे और ये कोर्ट में एडमिशिबल होंगे। ठीक है, चलिए। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन यही कहता है कि वो सभी फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे जो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट माने जाएंगे। जैसे अब देखो, आपका बेयर एक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू ना होते हुए भी बट आर शो कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू, ये फैक्ट इन इशू से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, फैक्ट इन इशू से इस तरह से कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं जो कि सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट कहलाएंगे। वो क्या है? रेलेवेंट फैक्ट है। तो ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू तो नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट माने जाते हैं, वो क्या है? रेलेवेंट फैक्ट हैं। फिर चाहे वो फैक्ट्स अकर होते हों सेम टाइम सेम प्लेस पे या डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेसेस पे, राइट? तो एक बार सिंपल ये जानो, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू तो नहीं है लेकिन ये फैक्ट इन इशू से इस तरह कनेक्टेड होते हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट माने जाते हैं, फिर चाहे उन फैक्ट्स का अकरेंस सेम टाइम सेम प्लेस पे हुआ हो या डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेसेस पे हुआ हो, वो फैक्ट्स रेलेवेंट माने जाते हैं और वो एडमिशिबल होते हैं इन कोर्ट। ठीक है, ये है सेक्शन 6। आइए इसे हम इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। यानी वो सभी फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू से इस तरह से कनेक्टेड हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट माने जाएंगे, वो रेलेवेंट फैक्ट होंगे, फिर चाहे उनका अकरेंस सेम टाइम सेम प्लेस पे होता हो या डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस पे होता हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लो ए इज accused of murder of B, is accused of murder of B by beating him. A के ऊपर ये आरोप है कि उसने B की हत्या कर दी पीट पीट कर। अब देखो, things said or done by A, A के द्वारा जो कुछ भी कहा गया जो कुछ भी किया गया, ठीक है, अब देखो, things said or done by B, B के द्वारा जो कुछ भी कहा गया जो कुछ भी किया गया and things said or done by bystanders, जो लोग उस इंसिडेंट के टाइम मौजूद थे उनके द्वारा जो कुछ भी कहा गया जो कुछ भी किया गया, shown before and आफ्टर द इंसिडेंट, उस इंसिडेंट के होने के जस्ट पहले और जस्ट बाद, ए के द्वारा जो कुछ भी कहा गया जो कुछ भी किया गया,
बी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी किया गया, और जो लोग थे, जो पब्लिक थी, उसके द्वारा जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी किया गया, वो क्या है, सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट माने जाएंगे और वो रेलेवेंट होंगे। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है थिंग्स सेट और डन शून बिफोर एंड आफ्टर इन रिलेशन टू फैक्ट एंड इशू, वो क्या है, रेलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, क्लियर। चलिए एक और इलस्ट्रेशन हम लेते हैं। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ए स्टेटेड दैट, ए ने ये कहा कि ही वॉज इन लेन, वो गली में था, वेयर ही हर्ड द अलार्म, जब उसने अलार्म साउंड सुना और उसने गन फायर की आवाज़ सुनी, वो घबरा गया और जल्दी से अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है, जहां उसकी भतीजी ने ये कहा कि उसकी आंटी को, यानी ए के वाइफ को, बी ने गन से मार दिया था। तो यानी आप देखो कि ये जो डिफरेंट फैक्ट्स हैं कि ए का लेन से जाना, अचानक से अलार्म सुनाई देना, कंसॉर्ट की आवाज सुनाई देना, फिर वहां से भागते हुए अपने घर के दरवाजे पर आना, जहां उसकी भतीजी ने ये कहा कि उसकी आंटी की हत्या बी ने गन से कर दिया है। तो ये क्या है, ये सभी फैक्ट्स रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, ये सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब देखो सेक्शन 6 बेसिकली डिक्लेयर करता है द फैक्ट टू बी रेलेवेंट विच आर शो कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड हैं और सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं, वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे। ठीक है, चलिए तो प्रॉब्लम यही है कि धूप तेज रहता है और शाम को आप वीडियो बना नहीं सकते हो, रात हो जाएगा, अब धूप में बनाओ तो वीडियो बार बार मोबाइल हीट हो जाता है, वीडियो बार बार कट जाता है। तो ये एफर्ट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस आपको किसी भी मैनर में हेल्प करती हैं, तो प्लीज़ इस एफर्ट को देखते हुए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है सेक्शन 6, इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रस जस्टी भी कहते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो इंसर्शन है लॉ ऑफ एविडेंस में, वो इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल रस जस्टी के तर्ज पर दिया गया है। जो वर्ड रस जस्टी है उसका मतलब होता है giving rise to uncertainties। हम जानते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, तो रस जस्टी का मतलब होता है giving rise to uncertainties। ठीक है, अब हम केसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो केस है वो है
रतन वर्सेस क्वीन आपके बेयर एक्ट में ये केसेस दिए हैं, तो इसलिए मैं इन केसेस को लिख नहीं रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अभी तक आपने जो भी समझा, अगर आप उस चीज़ को अच्छे से प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट अब इस पर्टिकुलर सेक्शन से आपके मन में होगा। तो अगर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टिस आता है तो जो सेक्शन में लिखे गए हैं बातें कि फैक्ट्स विच दो आर नॉट इन इशू, ऐसे फैक्ट्स जो फैक्ट इन इशू तो नहीं है लेकिन फैक्ट इन इशू से इस तरह से कनेक्टेड है कि वो सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं, वो रेलेवेंट होंगे, फिर चाहे उनका अकरेंस सेम टाइम सेम प्लेस पे होता हो या डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेसेस पे होता हो। ठीक है, यही है सेक्शन 6। और इतना एक्सप्लेन करने के बाद आप कुछ केसेस लिख दोगे इलस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, इलस्ट्रेशन मैंने अभी आपको बता दिया, अब केसेस। एक केस है आपका इन रतन वर्सेस क्वीन, इन रतन वर्सेस क्वीन। देखो, थर्ड ऑन रिसीविंग बुलेट इंजरी, लड़की को गोली लगता है। सी डिमांडेड पुलिस हेल्प ऑन टेलीफोन, वो पुलिस को टेलीफोन करती है और अपना एड्रेस बताती है। तब तक अचानक से जो कॉल है वो एंड हो जाता है। पुलिस तुरंत उस दिए हुए एड्रेस पर 5 मिनट के अंदर पहुंच जाती है और वहां पे एक वुमेन का डेड बॉडी पड़ा हुआ रहता है। तो अगर हम इन सभी फैक्ट्स को, इन सभी सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करें कि उस लेडी का पुलिस को टेलीफोन करना, टेलीफोन पे अपना एड्रेस देना, देखो उस लेडी का पुलिस को टेलीफोन करना फैक्ट नंबर 1, टेलीफोन पर अपना एड्रेस देना फैक्ट नंबर 2, और टेलीफोन का अचानक से कट जाना फैक्ट नंबर 3, पुलिस का उस गिवन एड्रेस पर पहुंचना फैक्ट नंबर 4, और वहां पे डेड बॉडी पाना फैक्ट नंबर 5। इन सभी फैक्ट्स को, इन सभी सर्कमस्टांसेस को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम ये देखेंगे, तो हम ये पाएंगे कि ये सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं एंड दस दीज फैक्ट्स आर रेलेवेंट। ये क्या है? रेलेवेंट है। ज़रूर जो लेडी है उसने टेलीफोन क्यों किया? क्योंकि वो हेल्प चाहती थी, कोई उसे मारना चाहता था। तो ये सभी फैक्ट्स क्या हैं? सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं, राइट। चलिए, तो यही था इस पर्टिकुलर केस में। एक और केस है, आपके बेरेक में भी है, तो रेस जस्टी का मतलब है गिविंग राइज टू अनसर्टेनिटीज। तो ये सभी जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं? अनसर्टेनिटीज ही तो हैं, राइट। चलिए, तो एक और केस है हमारा इन आर वर्सेस फोस्टर। इसमें क्या था? देखो, विटनेस ने ट्रक देखा था जो कि बहुत तेजी से भाग रहा था, लेकिन उस विटनेस ने इंसिडेंट होते हुए नहीं देखा था, और क्योंकि कोर्ट के पास कोई डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे तो कोर्ट ने इस पर्टिकुलर फैक्ट को, जो कि हियर से एविडेंस के कैटेगरी में आएगा क्योंकि किसी पर्सन ने कुछ बोला, कोर्ट ने इस हियर से एविडेंस को एडमिशिबल माना और इसे सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट माना। ठीक है, ओके। एक और केस है हमारा इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस सत्यनारायण। इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस सत्यनारायण। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, चलिए वीडियो चल रहा है। इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस सत्यनारायण, देखो इस केस में क्या था? एन एक्यूज्ड
कमिटेड मर्डर ऑफ हिज वाइफ एंड डॉटर. एक एक्यूज ने अपने वाइफ और अपने डॉटर का मर्डर कर दिया था. अच्छा, एक्यूज्ड के जो फादर थे उन्होंने डिजीज्ड वाइफ यानी मृतक पत्नी डिजीज्ड वाइफ के फादर को सारी स्टोरी नरेट करते हैं. ठीक है, अब क्योंकि ये क्लियर नहीं था कि हाउ लॉन्ग आफ्टर द इंसिडेंट फादर ऑफ एक्यूज्ड मेड द फोन कॉल, इंसिडेंट होने के कितने देर बाद फादर ने डिजीज्ड वाइफ के फादर को कॉल किया था, इसलिए ये जो स्टेटमेंट था उसे सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं माना गया. क्यों? क्योंकि अगर दो फैक्ट्स के बीच टाइम इंटरवल है जिसमें चांसेस हैं कि हम फैक्ट्स को फैब्रिकेट कर सकते हैं, हम फैक्ट्स को चेंज कर सकते हैं, तो वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं माना जाए. ठीक है, यानी यहाँ पे क्या था कि हम ये कन्फर्म नहीं थे कि इंसिडेंट होने के कितने देर बाद, क्या इंसिडेंट होने के तुरंत बाद एक्यूज्ड के फादर ने डिजीज्ड वाइफ के फादर को फ़ोन कॉल किया था या कुछ घंटे बाद किया था, तो ये चीज़ क्लियर नहीं था, इसलिए इसे सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं माना गया. किसी भी फैक्ट को हम सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट तभी मानेंगे जब जो डिफरेंट फैक्ट्स हैं उनके बीच कॉन्सिस्टेंसी हो. राइट, ओके, तो यही बताएगा इस पर्टिकुलर केस में. फिर है हमारे पास केस आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का केस है. आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, देखो अच्छा इसमें क्या था, इसमें डिजीज्ड जो मृतिका थी हुज नेक वॉज कट बाई शार्प वेपन, जिनका गला एक धारदार हथियार से काटा गया था. शेड कमिंग आउट ऑफ रूम, उन्होंने ये बताया कि वेन सी वॉज कमिंग आउट ऑफ रूम तो उन्होंने कहा कि ओ माई डियर आंट सी वॉट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, देखो बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया है. ओ माई डियर आंट सी वॉट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी. अच्छा, इस स्टेटमेंट को भी सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं माना गया क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया गया डिजीज्ड के द्वारा या जिन भी फैक्ट्स को बताया गया कि डिजीज्ड का जब गला कट गया था तो वो अपने रूम से बाहर आई थी और उसने इन स्टेटमेंट का, इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, ओ माय डियर आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी. कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को सर्टेन नहीं माना क्योंकि अगर मान लो कोई किसी का गला कट गया है तो वो बोलने की हालत में नहीं होगा. अच्छा, बोल भी रहा है तो वो इतना प्यार से बोल रहा है ओ माय डियर आंट सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज डन टू मी, तो ये जो स्टेटमेंट था इसे कोर्ट ने सर्टेन नहीं माना और इसे सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं माना. ठीक है, तो ये जो डिफरेंट केसेस हैं इसमें हम रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन के स्कोप और एप्लीकेबिलिटी को समझ रहे हैं. एक और केस है हमारे पास जीवी राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. इसमें क्या था, इफ देयर इज एन इंटरवल, यदि टाइम इंटरवल है दो फैक्ट्स के बीच, टाइम गैप है, वो टाइम गैप सफिशियंट है फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ स्टेटमेंट, उस टाइम पीरियड के बीच आप स्टेटमेंट में चेंजेस कर सकते हो, तो स्टेटमेंट जो है वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं माना जाएगा. इफ देयर इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू इंसिडेंट और वो जो टाइम इंटरवल है वो सफिशियंट है टू मेक फैब्रिकेशंस, टू मेक चेंजेस, तो वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट नहीं होगा. यही जीवी राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा गया. तो ये केसेस थे
जिनके माध्यम से हमने रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन या जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ रिस जस्टी भी कहते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन के स्कोप और इसके एप्लीकेबिलिटी को देखा। अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।